आज न्यूज परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 8 सीटों पर चुनावी तो अब वो बिसात बिक चुकी है। विभिन्न दलों ने इन सीटों पर जाति समीकरणों के आधार पर अपने प्रत्याशी भी तय कर दिए हैं। मुस्लिम, जाट, गुजर और दलित वोटों को अपने अपने पक्ष में रखने के लिए खास तौर पर रणनीति बनाई गई है। देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। इस चरण में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में महज 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीटें शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि बाद में 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा और सपा के समर्थन से आरएलडी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। यूपी में बीजेपी को मात देने के लिए सपा, बसपा और आरएलडी ने गठबंधन किया है। पहले चरण की सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला बसपा से है, जबकि मुजफ्फरनगर और बागपत सीट तो वहीं कैराना और गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी का मुकाबला सपा उम्मीदवार से होना है। सहारनपुर में करीब 6.5 लाख मुस्लिम, 5 लाख दलित और 1 लाख वोट के करीब जाट मतदाता हैं। बसपा ने इस सीट से हाजी फजलुर रहमान को उतारा है और कांग्रेस ने इमरान मसूद पर एक बार फिर दाव लगाया है, जबकि बीजेपी ने राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। जाति समीकरण के लिहाज से इस सीट पर सबसे ज्यादा 5 लाख मुस्लिम, 4 लाख बैकवर्ड और 1.5 लाख वोट जाटव दलित और 1 लाख के करीब गैर जाटव दलित मतदाता हैं। इसके अलावा 2 लाख के करीब जाट वोटर हैं। सपा ने कैराना से तबस्सुम हसन और बीजेपी ने गंगोह के विधायक प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर करीब 5.5 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख दलित और 2.25 लाख के करीब जाट मतदाता हैं। इसके अलावा सैनी और कश्यप वोट भी 2 लाख के करीब है। मुजफ्फरनगर सीट से आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह की टक्कर मौजूदा बीजेपी के सांसद संजीव बालियान से होगी। बागपत लोकसभा सीट को जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीट आरएलडी का गढ़ रहा है। जाटों के गढ़ बागपत से अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी उतर रहे हैं। पिछले चुनाव में 2 लाख से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के सतपाल सिंह के लिए इस बार की राह आसान नजर नहीं आ रही। लोकसभा सीट मेरठ से बीजेपी ने आरएसएस प्रचारक रहे राजेंद्र अग्रवाल और बीएसपी से याकूब कुरैशी उम्मीदवार हैं। ये सीट मुस्लिम और दलित बहुल मानी जाती है। ऐसे में अगर बसपा उम्मीदवार दलित, मुस्लिम और जाट को एकजुट करने में सफल रहते हैं तो बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी और सपा दोनों के लिए ये सीट काफी चुनौती भरी है। हालांकि गठबंधन अगर अपने वोट बैंक को एक मुश्त करने में सफल रहता है तो बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर मिल सकती है। बीजेपी ने जनरल वीके सिंह सपा से सुरेश पंचल और कांग्रेस ने डॉली शर्मा को गाजियाबाद से मैदान में उतारा है। बिजनौर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भारतेंद्र सिंह, गठबंधन प्रत्याशी मलूक नागर और कांग्रेस प्रत्याशी नसीबुद्दीन सिद्दीकी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के इलम सिंह मैदान में हैं और इन सभी के बीच कांटे की टक्कर है। पता है कौन करेगा? 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो ये भी तय हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने फिर से डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट दिया है, तो वही सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार सतवीर नागर है। कांग्रेस ने युवा चेहरा अरविंद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है।
पर इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। वही वरिष्ठ पत्रकार अमित राणा का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाज नरेंद्र मोदी के साथ जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अमित राणा के मुताबिक गुर्जर समाज का कहना है कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस वक्त अगर गुर्जर, चूंकि गुर्जर क्षेत्र से मेरा ज्यादा ताल्लुक रहता है, गुर्जरों से ज्यादा ताल्लुक रहता है, तो मैंने देखा है कि गुर्जर जो इस वक्त है वो पूरी तरह से है नरेंद्र मोदी के साथ ही, कहीं भी वो हट नहीं रहा है और नरेंद्र मोदी के साथ जा रहा है इस चुनाव में। और एक ही बात कहना है सबका कि भाई हमें सिर्फ देश के लिए वोट देनी है, हमें जाति से ऊपर उठ के वोट देनी है। तो ज्यादातर जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर गौतम बुद्ध नगर सीट की बात छोड़ दूं, जहां पर थोड़ी सी गुर्जर समाज की नाराजगी है, तो बाकी सब जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज भाजपा के साथ ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में महज 8 सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। ऐसे में पहले ही चरण से सूबे के सियासी तापमान और सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के राजनीतिक भविष्य का अंदाजा भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि क्या मुजफ्फरनगर दंगे की आज में झुलसा जाट और मुस्लिम साथ आकर बीजेपी का समीकरण बिगाड़ेगा या फिर मोदी लहर में ही सवार हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि क्या मुजफ्फरनगर दंगे की आज में झुलसा जाट और मुस्लिम साथ आकर बीजेपी का समीकरण बिगाड़ेगा या फिर मोदी लहर में ही सवार हो जाएगा। के न्यूज के लिए रोहित राजपूत की रिपोर्ट।